अजब गम की धमक दिल पर पड़ी है। अब्बा तुम आ गए, कुछ पता चला? वो दोनों सो गए ना। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? मैंने उन्हें सुला तो दिया लेकिन नींद कैसे आएगी? बता ना अब्बा, कुछ पता चला? तुझे कहा तो है कि कहा तो है तुझे कि वो तेरे वो कैसरा बात तेरे मामू जुबैर के पास गई हुई है। नाराज हो गई थी मुझसे, इसलिए हमें बता नहीं रही है वो। आज से पहले अम्मा ने कभी भी मामू जुबैर का नाम नहीं लिया है। वो तो दूर पड़े भी उसका रिश्ते का भाई लगता है। उसने पहले कभी ऐसे नहीं किया। क्या पकाया है? उन्होंने रोटी खा ली है? उन्होंने खाया था? मेरा मतलब है कि इसमें उनके लिए दाल सब्जी या गोश्त ही डाल दिया होता। तूने कुछ खाया बच्चे? तूने कुछ खाया? तो खुद तो सारा दिन बाहर गुजार रहा था। और मैं, अरे मैं भी तो उसे ही ढूंढना निकला रहता हूँ। तो फिर क्यों पता नहीं लगता उसका? रोज इसी उम्मीद पे घर आता हूँ कि गली में मोहल्लेदार मुझे इतला देंगे कि बशीर तेरी रशीदा आ गई है। वो झल्ली तो अपने भाई के घर कैसरा बात गई हुई थी। अंदर है घर पे, बच्चों को खाना खिला रही है, नहला रही है।
अब्बा तू कुछ तो खा लेना। जा मेरा पुत्र जाके सो जा और उन दोनों को भी देख लेना, आज भी जाके ना रहे वो, थोड़ी देर तक खा लूंगा। पर ये तो बता दे अब्बा कि उन्हें क्या जवाब दूं, क्या पता चला। अजब गम की धमक दिल पर पड़ी है। हाँ नहीं 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 शाम तक हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। हाँ केटरिंग वाले को मैंने फोन कर दिया था, होल्ड करना। हाँ ये भी तो एक मसला शुरू हो गया ना। चलो नहीं केटरिंग वाले को फोन कर दिया था मैंने, पहुंच जाएगा। ठीक होती है शाम में मुलाकात। ओके बाय। बैठो। भाई अकेले तुम नहीं हो, पता नहीं तुम्हारे जैसे और कितने जिन्हें कुछ नहीं पता चल रहा। तुम खुद सोचो, 50 से 70 अफराद यहाँ के रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और कहेंगे जी मार्केट में मेरा बच्चा नहीं है, मेरी बीवी थी, मेरी माँ थी। हम कैसे यकीन से कह सकते हैं कि वो सब भी, हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है। वैसे भी हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि हलाक शुदान की तादाद कितनी है। 80-90 तो अस्पतालों में पड़े होंगे, सिजक रहे होंगे बेचारे वहां पे। ब्रेकिंग न्यूज में उन्होंने 40 तादाद बताई थी, लेकिन 30-40 तो वो भी होंगे जो बेचारे जख्मों की ताब ना लाकर मर जाएंगे। भाई वो भी तो हालात शुद्गान में ही आएंगे ना। और कुछ बेचारे ऐसे भी होंगे जो अपने प्यारों की मौत की खबर सुन के खुद जान से चले जाएंगे। और जिन आदमियों के चीथड़े मिल गए अस्पताल की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाकर उनका नाम तो हालात शुद्गान में लिख दिया गया है। 4-5 नाम तो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के गलत निकला है भाई। जहां पे इतना गदर मचा हो, भगदड़ हो, क्या पता चलता है। वैसे भी वो प्लाजा जो था उस वक्त औरतों और बच्चों से खचाखच भरा हुआ था। हसनपुर के कब्रिस्तान में इज्तमाई कब्र बनाकर उन तमाम लाशों को दफना दिया है जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी थी। सब कुछ भस्म हो गया था। वैसे तुम अपने बच्चों में से किसी के खून का सैंपल भेज दो, हो सकता है कि लेबोरेटरी की रिपोर्ट से। नहीं नहीं मेरी बीवी उस वक्त मार्केट में मौजूद नहीं थी। अजब गम की धमक, अजब गम की धमक। वो तो लापता है, उसका पता चल जाएगा। लापता अफराद की ये फहरिस्त देखो, हर रोज 2-3 नामों का इसमें इजाफा हो रहा है। देखो दिखाओ इसे। भाई हमसे पूछते हो ना तो दिल से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह करे तुम्हारे बच्चों की माँ जहां भी हो खैरियत से। राम साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब क्या चला हमारे बबलू का? अल्लाह करे मेरा बबलू कहीं और गया हो। मैं तो उस वक्त से इन्हें यही कहे जा रही हूँ कि हमारा बबलू मार्केट में नहीं था। आप हर 2 घंटे बाद पता करने आ जाती हैं बबलू का। हम कोशिश कर रहे हैं, मिल जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ा टाइम दें हमें। जाएं अभी, जब पता चल जाएगा आपको बुला लेंगे। अब जाएं, जाएं। अस्सलाम वालेकुम। Thank you.
अजब गम की धमक दिल पर पड़ी है, झांकती है ये किस मंजर में तुमने साथ छोड़ा। मेरी तस्वीर आधी रह गई है, जब गम की धमक दिल पर पड़ी है। शाजिया बेटा मैं बाजार जा रही हूँ, चूल्हे पे साग चढ़ा उसमें चम्मच लाती रहना, और सुन आटा भी गूंद लेना, मैंने आपदा के लिए क्लिप लेने जाना है। तुम लोगों का बाप आ जाएगा ना शाम को, फिर नानी के घर चलेंगे। अम्मा, मैंने भी मार्केट जाना है। तू नहीं जा सकता, तेरा सारा स्कूल का काम पड़ा है, काम खत्म कर अपना, मैं तेरे लिए गेंद लेकर आऊंगी। अम्मा गेंद वाली दुकान बहुत दूर है, मेरा क्लिप तो साथ वाले स्टॉल से मिल जाएगा, पहले आप मेरा क्लिप लेना। अच्छा अच्छा तेरे क्लिप भी ले आऊंगी, चल भाई का ख्याल रखना, जा। शाजिया बेटा कुंडी लगा। अगर तुम लोगों में इतनी हिम्मत है तो तुम लोग खुद जाकर बता दो उन्हें कि उनकी माँ। ये पुलिस वाला पता नहीं क्या है, ये बताते भी तो नहीं सही तरह। बताया है ना हसनपुरा के कब्रिस्तान में एक बड़ा सा गड़ा खोद कर जिसका जो मिला वहाँ डाल दिया, उन्हें जाओ जाकर गड़ा दिखाओ, उन्हें दिखाओ वो गड़ा जाकर, उन्हें कहो कि उनकी माँ भी इन्हीं में कहीं। ऐसी बातें नहीं करते भाभी, रशीदा जहाँ कहीं भी हो अल्लाह उसे जिंदा सलामत रखे।
वो जहां भी है अल्लाह उसको अपनी अमान में रखे। बस दरबार शरीफ में जब बम धमाका हुआ था तो उन्होंने एक मलंग पे इल्जाम लगा दिया कि खुद कुछ हमला इसी ने किया है। बाद में उसके घर वालों को गिरफ्तार कर लिया। वो चीखते चलाते रहे कि ये अल्लाह लोग हैं। वो तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो 10 दिन बाद भटकता धक्के खाता घर वापस पहुंच गया। अगले तो उसकी फातिहा करवा चुके थे और वो जिंदा सलामत दरवाजे पे आके खड़ा था। अल्लाह करे कि नशीदा भी किसी रोज ऐसे ही आकर दरवाजे पे खड़ी हो जाए। आमीन। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। ये ले तेरा बॉल। तूने काम किया है? ये शाजो और बच्चे कुंडा खोल। शाजो शाजो बच्चे दरवाजा तो खोल। शाजो शाजो जब गम की धमक जब गम की धमक शाजो जब गम की बच्चे धमक शाजो ये कुंडी को खोल दो बेटा। शाजो क्या हो गया इनको? पता नहीं कुंडा ही नहीं खोल। झांकती है दरवाजा खोलो अंदर से। कौन है पुत्र? क्यों है तेरा? नहीं खोलूंगी नहीं खोलूंगी। पुत्र ऐसा नहीं करते ना। खोल दरवाजा। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे अंदर से? और शादिया पुत्र तुम्हारा बाप आया है। और बच्चे ऐसा नहीं करते। और दरवाजा खोल अंदर से। नहीं खोलूंगी दरवाजा। नहीं खोलूंगी। और तुम दोनों में से भी कोई नहीं खोलेगा। अम्मा को साथ क्यों नहीं लाए? कहाँ है अम्मा? उनका कोई पता क्यों नहीं चलता? तुम अपने झूठ बोल रहे हो ना अब्बा? तुम हमसे झूठ क्यों बोल रहे हो अब्बा? हमसे क्यों छुपा रहे हो? हमें सच सच क्यों नहीं बता देते कि अम्मा भी इस मार्केट में होने वाले धमाके में चली गई? तुम हमसे क्यों छुपा रहे हो? अगर अम्मा का कोई सुराग नहीं मिल रहा तो जाओ उनके पास। उनके पास कोई निशानी होगी, कोई फेरिस्त होगी जिसमें रशीदा जान का नाम होगा। अम्मा भी उनकी दुश्मन थी ना, जिन्हें 1000 लोगों की तरह मार देना उनका मकसद था। मैंने आमदा ने काशी ने जरूर उनके साथ कुछ बुरा किया होगा जिसकी सजा दी हमें। हम स्कूल जाते थे पर अब नहीं जा रहे हैं। बता दो उन्हें कि खुश हो जाए। अम्मा हमारे लिए खाना बनाती थी। बता दो ना कि अब हमारे घर में चूल्हा कम जलता है बल्कि हम उस आग में जल रहे हैं जो उन्होंने मार्केट में भड़काई थी। बता दो ना कि खुश हो जाए।
आपदा को क्लिप चाहिए था ना, यही गलती है ना उसकी। काशिप का यही गुनाह है ना कि उसे गेंद चाहिए थी। हम मान लेते हैं अपना जुर्म, लेकिन बता तो दोगे हमारी माँ? हम तब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक तू अम्मा का पता नहीं करके आ जाता। हम नहीं खोलेंगे दरवाजा। अजब गम की क्या करूं मैं, धमक दिल पर खड़ी है उदासी आइनों से झांकती है। मेरी तस्वीर आधी रह गई है। बोल ना, अगर तू इसी ढेर में है तो बता तेरे बच्चों को क्या जवाब दूं मैं, उन्हें क्या कहूं कि वो अपने क्लिप और अपनी गेंद का भी और इंतजार करें। उनकी माँ आती होगी, या उन्हें यहाँ ले आऊं, उन्हें दिखाऊं मिट्टी का यह ढेर, उनसे कहूं कि उनकी माँ वो नीले रंग का क्लिप लेकर यहीं सोई पड़ी है। जवाब देना, कल रात भी तेरे बच्चे अकेले थे और मैं घर दाखिल नहीं हो सका। मैं उस वक्त तक घर दाखिल नहीं होगा जब तक तू मुझे जवाब नहीं देगी या मेरे साथ नहीं चलेगी। नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। तो आज भी अकेले और रात को भी अकेले हूँ। कब्रिस्तान में आकर जो रोते नहीं है, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। कि तूने तो समझाया था हमें। मुझे तो एक अब्बा, इन दोनों को देख, हम अम्मा की निशानियां ही तो है। क्या हुआ अगर अम्मा का निशान नहीं रहा? निशान खत्म हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
मेरी टीचर कहती है शिनाख्त नहीं होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम जाने वालों की निशानियां समेटते और ढूंढने में कहीं अपनी शिनाख्त खो जाएं। तस्वीर